देश ने 2G का मतलब हमारा स्पष्ट मानना है कि दो जनरेशन वाले पॉलिटिशियन और 3G का मतलब है तीन जनरेशन के पॉलिटिशियन और 4G जो चार जनरेशन इससे इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के युवराज चौथे जनरेशन के पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और आज राहुल गांधी, इन चारों ने इस देश को लूटने का काम किया, ये हमने कहा है। और तीन जनरेशन से करुणानिधि जी के परिवार के लोग जो लगातार सनातन के खिलाफ बोलते आ रहे हैं, चाहे वो करुणानिधि जी हो, स्टेलिन हो या उनका पुत्र हो, तो तीन जनरेशन से। और इस आप देखेंगे उसके बाद बिहार, यूपी और बंगाल में जो दो जनरेशन के पॉलिटिशियन है, लालू जी ने लूटा, तेजस्वी यादव ने लूटा, ममता बनर्जी जी ने लूटा बंगाल को, उनका भतीजा भी लूट रहा है, उसी तरह अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी, ये सारा लोग पूरे देश में जानते हैं, ये सारे लोग दो जनरेशन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने भी कहा जिसने लूटा है उसको चुकाना पड़ेगा, क्या एकदम चुकाना पड़ेगा। बिहार की जनता और देश की जनता 2024 में इन सभी लोगों का हिसाब करेगी। विधानसभा चुनाव होगा क्या, भंग करने की बात तेजस्वी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार? अरे तो चुनाव में तो चल ही रहे हैं ना, तो लोकसभा के चुनाव में लड़ रहे, इतना चिंता क्या करना है। जनता ने मैंडेट बिहार की जनता ने 2025 तक विधानसभा को दिया है, इसको रहने दीजिए। चुनाव उनको इतिहास बताना चाहते हैं कि लालू जी 2005 से लगातार हार रहे हैं, ये नीतीश जी कभी कभी बीच में संजीवनी दे देते थे, अब आगे उनको कोई संजीवनी देने वाला नहीं है, 2024 भी हारेंगे और 25 भी हारेंगे।